कड़कड़ाती ठंडी के लिए गर्मा गर्म नए से क्रिस्पी स्वादिष्ट पकोड़े और साथ में चटपटी स्वादिष्ट सी टमाटर की चटनी बनाएंगे। तो हम आलू पालक के नए तरीके से पकोड़े बनाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दी गई हुई घंटी को दबाएं ताकि नई नई रेसिपी के नोटिफिकेशन आए। तो उसके लिए मैंने इधर 20 से 25 पालक की पत्तियाँ, आधा बंच जितना मैंने पालक की पत्तियाँ और 2 आलू लिए हैं। आलू के हम छिलके निकाल देंगे और पालक की पत्तियों को अच्छे से धो के और उसे थोड़ा हम पानी उसमें से निकलने देंगे, छन्नी में रखेंगे। एकदम पानी निकल जाए बाद में हम उसे बारीक ऐसा काट लेंगे। तो इधर तकरीबन आधा बंच और थोड़ी बड़ी है पत्तियाँ और थोड़ी छोटी है, इतनी मैंने ली है। इस रेसिपी से आप 4 लोगों के लिए ये पकोड़े बना सकते हो। तो पालक को हम एक बाउल में ले लेंगे और अभी हम जो आलू 2 हमने लिए हैं उसे हम कद्दूकस करेंगे। तो जो बड़े होल वाला हमारा ग्रेटर रहता है उससे हमें कद्दूकस करना है। तो इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। इसे भी हम पालक के साथ मिक्स कर देंगे और साथ में हम 1 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस कर लेंगे। पालक के साथ लहसुन का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको लहसुन डालना है तो 2 टीस्पून जितना लहसुन का पेस्ट डाल सकते हो। साथ में ही 2 से 3 हरी मिर्च, तो तीखा आप जितना खाते हो उतने हिसाब से, मैंने बहुत तीखा नहीं बनाया है। पतला गोल बारीक मैंने स्लाइस करके डाल दिया है। साथ में 1/4 कप जितना बारीक कटा हुआ धनिया, 3/4 टीस्पून जितना नमक। तो पालक में नेचुरली नमक रहता है तो बहुत ज़्यादा ना हो जाए ऐसे डालें। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे और साथ में 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून अजवाई, 2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर डालेंगे और 3 टेबलस्पून सूखा नारियल। तो मैंने ऐसा कद्दूकस किया हुआ लिया है, आप चाहे तो बारीक हो वो भी डाल सकते हो। डेसिकेटेड कोकोनट, 2 टेबलस्पून सफ़ेद तिल और 1 टीस्पून नींबू का जूस डालेंगे। और अभी हम उसमें आटा, तो इधर मैं चावल का और बेसन चने की दाल का आटा डाल रही हूँ। तो 4 से 5 टेबल स्पून चावल का आटा और 7 टेबल स्पून जितना बेसन डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमें पालक और आलू को अच्छे से आटे से कोट करना है। अगर आपको लगे कि आटे की ज़रूरत है, पालक और आलू अच्छे से आटे से कोट नहीं हुए, तो 2-2 टेबल स्पून या फिर बेसन भी आप इधर ज़्यादा ले सकते हो। तो हम चावल का आटे से ये एकदम क्रिस्पी बनेंगे। चावल के आटे की जगह पर आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हो। तो अच्छे से मैंने मिक्स किया है। 1 से 2 मिनट के लिए अगर आप इसे साइड में रखोगे तो आलू का पानी भी निकलेगा और पालक का भी पानी निकलेगा। तो हमें इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालना है। और आप देख सकते हो अभी अच्छे से हमारा बैटर ऐसा तैयार है। तो अभी हम ऐसे छोटे छोटे पकोड़े लेंगे और गरम तेल में इसे फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हो अभी सॉफ्ट ऐसा मिश्रण हो गया है। तेल गरम मैंने रख दिया है। तेल गरम हो जाए गैस की फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। मीडियम आंच पर हम ऐसी छोटी छोटी पकौड़ियाँ गरम तेल में डालेंगे। इधर आपको बड़े पकौड़े या छोटे ट्राई करें, मीडियम ही बनाएं ताकि अंदर तक एकदम क्रिस्पी बनेंगे। तो ऐसे में जितने कढ़ाई में आते हैं उतने में पकोड़े गरम तेल में डाल दूंगी। गैस की फ्लेम मीडियम रखकर हम इसे 1 मिनट के लिए एक साइड से फ्राई करेंगे और बाद में हम उसको साइड चेंज करेंगे। तो ऐसे और वापस 1 मिनट के लिए इसे फ्राई करके साइड चेंज करेंगे और अभी हम हल्का गोल्डन डिजाइन आ जाए तब तक इसे फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हो बढ़िया सा गोल्डन पकोड़े अभी ऐसे हो गए हैं, एकदम क्रिस्पी बन गए हैं। तो हम इसे किचन पेपर पर निकाल देंगे। तो आप देख सकते हो एकदम क्रिस्पी दिखने में भी बढ़िया है और इसमें तेल बिल्कुल नहीं रहता है। अगर आप पकोड़े बनाते होगे और ज़्यादा तेल रहता है तो ये वाले पकोड़े में बिल्कुल तेल नहीं रहेगा।
इसी तरीके से हम दूसरे पकोड़े बना लेंगे। तो आप देख सकते हो हमारा अभी जो मिश्रण है ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है, आलू और पालक का नेचुरली पानी निकल गया है। इसी तरीके से मैंने पकोड़ों को फ्राई कर लिया और आप देख सकते हो बढ़िया सा कलर आ गया है। तो इसी तरीके से सारे हम पकोड़े फ्राई करेंगे और साइड में मैंने उसकी चटनी भी बना ली है। तो टमाटर की आधा कप जितनी चटपटी टेस्टी चटनी बनेगी। तो उसके लिए हम एक कढ़ाई में 1 से 2 टीस्पून जितना तेल गरम करेंगे, उसमें हम 5 जितनी लहसुन की कलियाँ डाल के 1 से 2 मिनट के लिए इसे होने देंगे। जैसे ही 2 मिनट जैसा हो जाए हम उसमें 4 टमाटर के टुकड़े, तो मैंने छोटे 4 टमाटर लिए हैं उसके टुकड़े करके डाल दिया है। साथ में आधे टीस्पून से थोड़ा ऊपर नमक डालेंगे और सॉफ्ट टमाटर हो जाए तब तक हमें इसे मीडियम फ्लेम पर होने देना है। तो बीच बीच में हम इसे चला कर तकरीबन हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए होने देंगे। 1 मिनट जितनी देरी है तभी हम इसमें 4 से 5 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। तो इधर मिर्ची आपको तीखी कितनी चटनी बनानी है उस हिसाब से आप मिर्ची तीखी वाली जो सूखी आती है वो डाल सकते हो। 1 से 2 मिनट के लिए हम होने देंगे और आप देख सकते हो अभी टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अभी हम इसमें 3 इमली के टुकड़े डाल देंगे और मिक्स करके गैस की आंच बंद कर देंगे और लास्ट में हम उसमें 1 गुड़ का टुकड़ा डालेंगे। तो ये चटनी है, चटपटी, तीखी, खट्टी, थोड़ी सी मीठी, ऐसी बहुत ही टेस्टी लगेगी। और इसे हम ठंडा होने देंगे। जैसे ही ठंडा हो जाए मिक्सर जार में हम इसे डाल देंगे और अभी हम इसे एकदम बारीक उसका पेस्ट चटनी बना लेंगे। और थोड़ा सा फ्रेश टेस्ट देने के लिए हम उसमें 3 से 4 डंडल के साथ धनिया पत्ती डाल देंगे और उसे हम 1 से 2 बार पल्स करेंगे। तो आप देख सकते हो बढ़िया सी हमारी चटनी तैयार है। तो गर्मा गर्म पकौड़े को हम सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। आप देख सकते हो एकदम क्रिस्पी बने हैं और साथ में चटपटी स्वादिष्ट टमाटर की चटनी डाल देंगे। तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया सी दिखने में है, पर इसे आप रोटी पराठे के साथ भी खा सकते हो ये टमाटर की चटनी। तो गर्मा गर्म क्रिस्पी पालक और आलू के पकोड़े और साथ में चटपटी सी चटनी, या फिर ये पकोड़े आप चाय के साथ भी खा सकते हो। अगर आपने ये नई तरीके के ऐसे पालक के ये कुरकुरे पकोड़े नहीं बनाए तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे। आप एक बार बनाओगे तो बार बार बनाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।